इस 9 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस तरह से देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम करके 65 साल से कांग्रेस जीत रही थी। सबसे बड़ा नुकसान देश को 1947 इन कांग्रेसी दलालों ने अपनी सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। इनके जो आका हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो बेवकूफ कॉर्पोरेटर के लायक नहीं है, लोग उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देना चाह रहे हैं। आज भी वो पप्पू कहलाते हैं, 54-55 साल के हो गए हैं। परंतु कुछ लोग तो आरोप लगाते हैं कि जैसे कि जब से सरकार बनी है बुलडोजर मुसलमानों के ऊपर ही चलता है। अब देखिए, जो क्राइम करेगा कानून सबके लिए बराबर है, कानून से तो कोई बच नहीं सकता ना जी। नाजायज तो किसी के साथ हुआ नहीं होगा और ना होगा जी। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, मैं इस तरह से देख रहा हूं कि पिछले 65 साल के अंदर जो देश को डुबाया था कांग्रेस सरकार ने, इस 9 साल के अंदर देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है नरेंद्र मोदी जी ने। मैं इस तरह से देख रहा हूं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। अभी जैसे कि आप कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम के, हिंदू मुस्लिम तो 65 साल से कांग्रेस कर रही है। हिंदू मुस्लिम करके ही तो जीत रही थी 65 साल से कांग्रेस। हिंदू मुस्लिम करके 65 साल से कांग्रेस जीत रही थी। हिंदू मुस्लिम जो हुआ है देश के अंदर वो कांग्रेस पार्टी ने किया है कि देश के अंदर सबसे बड़ा दंगा, सबसे बड़ा नुकसान देश को 1947 इन कांग्रेसी दलालों ने अपनी सत्ता के चक्कर में एक भारत देश के टुकड़े कराकर एक पाकिस्तान बना दिया था। उसमें हजारों लाखों की तादाद में इनोसेंट हिंदू मुस्लिम मरा था। किनकी? इन कांग्रेसी सत्ताधारियों के चक्कर में। उसके बाद कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये अमेरिका के दलाल हैं ये, और ये सीधा पाकिस्तान, इनके जो आका हैं वो सीधे पाकिस्तान में बैठे हैं। जो इनके आका बोलते हैं कांग्रेस पार्टी वैसा ही करती है। क्यों, मनीष शंकर अय्यर तो पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने बोला ही था कि कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी को भगाओ। तो वही तो कह रहा हूं कि सही मायनों के अंदर ये कांग्रेस पार्टी, इससे देश को खतरा है। अगर देश को बचाना है तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए, मोदी जी को आना चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी को आना चाहिए। ऐसा क्या देखा आपने मोदी जी के अंदर? मोदी जी के अंदर क्या नहीं देखा इस 9 साल के अंदर? पिछले 65 साल के अंदर 2014 तक मुसलमानों की हालत SC ST दलितों से बदतर हो रखी थी कि मुसलमानों को, मतलब मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया जा रहा था कि मुसलमान को कारोबार से दूर रखा कांग्रेस पार्टी ने, एजुकेशन से दूर रखा, सरकार की भागीदारियों से दूर रखा। तो मुसलमान की तो हालत खराब करके रख रखी थी कि गूगल के ऊपर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर मेरे मुस्लिम भाई पढ़ लें तो मैं कह रहा हूं कि उंगली काट लेंगे दांतों से, जितना जुल्म इन कांग्रेसियों ने माइनॉरिटीज के ऊपर करा है। देश के अंदर अगर मुसलमानों का अगर कुछ विकास हुआ है तो इस 9 साल के अंदर विकास हुआ है, नहीं तो पिछले 65 साल के अंदर तो मुसलमान को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस ने। कांग्रेस तो कह रही है कि इन्होंने देश बेच दिया, महंगाई बढ़ा दी। खरीदा किसने? देश किसकी औकात है देश खरीदेगा? तुम्हारी औकात है देश खरीदोगे? और ये इसकी अंडरटेकिंग आज भी भारत सरकार ही देखती है। तो किसने बेच दिया देश? देश किसी ने नहीं बेचा। देश तो ये खा चुके हैं लूट के, ये कांग्रेसी पिछले 65 साल के अंदर खा चुके हैं देश को लूट के। अब देख लीजिए, कहने का मतलब ये है जमीन इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा। घोटालों के लिए तो इनको क्या नाम है, पुरस्कार मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए कि जमीन के अंदर नहीं छोड़ा। कोयला घोटाला जमीन के अंदर, कॉमनवेल्थ घोटाला, क्या नाम है, 70,000 करोड़ कॉमनवेल्थ घोटाला जमीन के ऊपर, इंस्पेक्टर टूजी घोटाला आसमानों के ऊपर, हवाओं के ऊपर। कह रहा हूं इन्होंने देश को बर्बाद करा है, सिर्फ बर्बाद करा है देश को। अगर आबाद करने वाला अगर कोई अगर बंदा आया है वो तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी है। देश को आज देख लीजिए, देश की हालत देखिए और आज से 65 साल पहले देश की हालत देखिए। उस टाइम में क्या हालत थी देश की और आज क्या हालत है देश की? कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर ही चंद्रयान 3 लैंड करता है, सेफ लैंडिंग। ठीक है, इसका श्रेय सारा साइंटिस्टों को जाता है, लेकिन साइंटिस्टों को भी फ्री हैंड किसने किया था? आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने। के ये G20 सम्मेलन हमारे देश के अंदर बड़े गौरव की बात थी कि G20 सम्मेलन हमारे देश के अंदर हुआ, जिसकी सदारत आदरणीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। के ये कांग्रेसी ये मोदी जी को कुछ समझ नहीं रहा, पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर हैं आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं, मोदी जी को प्रणाम कर रहे हैं और मोदी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े। तो जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, हमने तो ये भी देखा कि पापों के राष्ट्रपति तो पैर तक छूते हैं, परंतु राहुल गांधी उनको पनौती भी तो कह देते हैं।
पनौती राहुल गांधी, असल में सबसे बड़ी चीज बताऊं, मैं तो इनको लीडर मानता ही नहीं, ये तो मैं मानता हूं ये एक नाटक कंपनी के कुछ बंदे बंदे हैं, नाटक नूटक करते रहते हैं। अब जैसे कि पिछली बार देखा होगा इनके बयानबाजी आते रहते हैं कि आलू से सोना बना देते हैं, आटा लीटर के भाव बिकवा देते हैं, आटा लीटर के भाव बिकवा देते हैं, वो क्या नाम है, खेतों के अंदर टाइल लगवा देते हैं। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर को बनाओगे जिस जो बेवकूफ कॉर्पोरेटर के लायक नहीं है, लोग उसको प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी, मैं कह रहा हूं कि अपनी फैमिली का भी बड़ा नहीं बन सकता। अब तो इनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। मैं तो कह रहा हूं कि इस कांग्रेस परिवार को इटली चले जाना चाहिए वापसी। कैसे देख रहे हैं 3 राज्यों की जीत को और मोदी की गारंटी कैसी रही? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी को जनता ने स्वीकार किया है।